الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حب إليه مما سواهما صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، مائیو اور بہنوں، السلام علیکم. اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس دی توفیق نال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا صدقہ اسیں محبت رسول دی سجی محفل سب حاضر شریک ہے سارے. جڑی حدیث پاک تلاوت کیتی نا، محبت خدا تے محبت رسول نو کٹھیا کر دیتا ہے، وانڈ نہیں رہن دیتی کہ رب دی محبت بکری ہے تے نبی دی بکری ہے. مطلب کہ محبت رسول دا نام ہی محبت خدا ہے. ہن اللہ نال محبت کرنی ہے تے جی بڑا کردا ہے کس طرح کریے کتھے کریے. بے صورت اللہ دی نال محبت، محبت واسطے کوئی صورت چاہی دی ہے نا. کہندے شکل سونی ہوئے تے پھر کوئی محبت دا ایک بندا، تے جدوں صورت دا ہی نہیں پتہ، صورت ہے ہی نہیں، بے صورت ہے تے محبت کس طرح کرو گے؟ اپنے خیال دے نال وہ من ہے تے محبت کس طرح کریے پھر اللہ نال؟ کوئی تھا ٹھکانہ کو پتہ آتا ہے؟ شرک تو بھی قریب ہے.
ते सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल सहाबा किराम गए ते अर्ज़ कीती या रसूलल्लाह जिस अल्लाह दी तुसी गल फरमांदे हो कोई दी सूरत असी किस तरह उहदे नाल मुहब्बत करनी चाहुंदे आ ते हुजूर ने की फरमाया फरमाया वेखी मैनू जाओ ते मन्नी उहनू जाओ मतलब मुहब्बत तो सारी फिर इत्थे करनी पै गई ना ये मुहब्बत रसूल ही मुहब्बत खुदा है जिस तरह अता ते रसूल अता ते खुदा बैत रसूल बैत खुदा इनकार रसूल इनकार खुदा नुतक रसूल नुतक खुदा ये इस तरह ही है मुहब्बत रसूल मुहब्बत खुदा। अल्लाह ने जिन्हिया चीज़ा इस कायनात दे विच पैदा फरमाइया ने ना हैवानात नबतात जमातात पत्थर टहनियाँ दरख्त पहाड़ फरिश्ते जिन हर चीज़ उत्ते दो चीज़ा लाजमी कर दिती हैं वाजब कर दिती हैं ने एक अल्लाह ताला ने अपनी तस्बीह करना वाजब कर दिता ते दूसरा नबी पाक दी मुहब्बत ते तज़ीम वाजब कर दिती है। हुण अगर कोई किसी बंदे नूं पत्थरां दी तस्बीह करनी समझ नहीं आ सकती उन्हों नबी पाक की मुहब्बत किवें समझ आएगी पत्थर किवें करदे ने मुहब्बत। तो आओ असीं इब्तदा करने आ हदीसे पाक है बुखारी की हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि मैं सरकार दे नाल मदीने चों बाहर निकलिया गज़वे खैबर की तरफ तो थोड़ा जहा बाहर निकलिया तो एक पहाड़ सामने आया तो सरकार खड़े हो गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए फरमान लगे अनस हैज़ जबल ये पहाड़ है ना जो इसका नाम ओहद है इसका नाम क्या है ओहद पहाड़। सरकार फरमाते हैं युहिब्बुना व नुहिब्बुहु अनस ये हमसे मोहब्बत करता है हम इससे मोहब्बत करते हैं। उनको बंदा एक गल आखे कि जी पत्थर विच मोहब्बत कितों आ गई अगर कोई बंदा इनकार कर देगा तो वह नबी पाक दे फरमान का इनकार करेगा और वो मुसलमान नहीं रहेगा। फिर सरकार फरमाते ने मक्के दे विच जिथे मेरा घर सी ना हली नबी होने का ऐलान नहीं किया तो मैं उस गली दी कोने विच नुक्कर च एक पत्थर पिया हुंदा सी मैं जदों आंदा ते जांदा सा वो मेरे ते दुरूद सलाम पढ़दा सी। पत्थर की जुबान नहीं हुंदी लेकिन दुरूद वास्ते जुबान दिती जांदी है ना वो पत्थर मेरे ते दुरूद सलाम पढ़दा सी मैं उन्हों पहचानना और ये मिशकात दी हदीस पाक है और इन बिमक्का हजरन कान युसल्लिम अलैया लियाली अबू इस्तिनी लारी फलान फरमाया मैं उसको पहचानता हूँ हजारा पत्थर सन लेकिन पहचानया उन्हों जिहड़ा हजूर ते दुरूद पढ़न वाला सी ते जदों बंदे तैनू कबर विच रखण है ना उत्थे माँ ना प्यो ना भैन ना भरा कोई शह उत्थे लभणी कोई नहीं कोई रिश्ते सारे खत्म ते उस हालत दे विच ये ते नस आ गई है ना जदों फरिश्तियां दे तेरे ते सवाल कीता कि माँ कुंता तकूलु फी हक्के हाज़र रजल कि सरकार जिस वक्त कबर चाण गए ते सवाल कीता जाएगा कि इन्हां दे मुतल्लक की कहिंदा रहा मंदा रहा कि नहीं दस की कहिंदा रहा ते जे दरूद पढ़न वाले पत्थर नूं आका नहीं भुलदे ते गुलाम ने जे मुहब्बत नाल कदी किते पढ़िया होया होया ते फिर हजूर भुल जाणगे। जिहड़ा दरूद सलाम पढ़ेगा मुहब्बत नाल हजूर की निगाह च रहेगा कबर च भी निगाह च रहेगा हशर विच भी निगाह च रहेगा। इस वास्ते जिहड़ा रिश्ता हजूर दे नाल दरूद सलाम वाला है इहनू पुख्ता होना चाहिए समझ आ रही जे। फिर देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह ते तशरीफ लै गए तो एक बंदा जिहड़ा मुसलमान होना चाहता सी लेकिन कुछ वेख के होना चाहता सी वो आखन लगा जी तुसीं अल्लाह दे नबी हो सुनिया आपने फरमाया अल्लाह दा नबी है तो फिर अर्ज़ की कि फिर कोई कोई दिखाओ कुछ है कोई निशानी सामने दरख्त सन तो आपने एक टहनी सी बाहर उन्होंने आवाज़ दी फरमाया टहनी आ जा टहनी टुट के थले डिगी कमाल किया उस दरख्त की टहनी ने उठ के खड़ी हुई दो कदम चल के तो हुज़ूर नूं सजदा पै गई सजदा किया फिर सजदे करद्या करदी हुज़ूर दे कोल पहुँची तो फरमाया आपने जिथों आई है ना उत्थे टुर जा वो टहनी उस तरह ही सजदे करदे उत्थे चले गई। ते दोस्तों
जे साका नाल उन्हें टहनी ने की किया नमाज पढ़ी की किया उन्हें को तस्वी पढ़ी उन्हें हजूर की तजीम की सजदा किया। सवाल यह है कि टहनियाँ तजीम दस रही ने बंदे नूं पता नहीं की मसला बनया बंदा सोचता फिरदा ओए मोहब्बत वास्ते दलील नहीं चाहिदी इश्क वास्ते दलील नहीं हुंदी क्यों जी कि दलील चाहिदी है इस वास्ते हजूर नाल मोहब्बत इन दी कर लो। एक बीबी सी बीबी एक औरत सियाबिया उन्हें की कीता अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा पुत्र लकड़ी का काम करता जी हुक्म फरमाओ तो मैं मैंबर बना के लियावा लकड़ी का ताकि लोग गल्लां सुन सकन आसानी नाल वो मैंबर बना के लै इजाजत हो गई अगले जुमे मैंबर आ गया लकड़ी का। जिसले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदे ते तशरीफ फरमा होए इन्नी जोर दी चीखो पुकार ते चीका ते रोना धोना शुरू होया कादे चों आवाज़ आई लकड़ी का सुक्का एक उन्हों कहंदे सन उस्तुने हनाना खजूर का तना सी एक उहदे नाल ढो ला के गल्लां करदे सन ना ते उहदे नाल ही मैंबर रख चढ़िया फासला किन्ना सी एक गिठ का इन्ना रोया सियाबा कहंदे ने इंज रोया जिवें सून वाली ऊंठनी रोंदी इंज रोया हत्था के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदे ते हथ रख्या और फर बल्कि एक हदीस चाहता फजम महाई लई है सरकार ने उठ के उन्होंने सीने न लाया सुकी लकड़ी दे तने नूं फरमाया तुझे किसने रुलाया वो कहंदा या रसूलल्लाह मुझे आपने रुलाया सरकार मैं आपके बगैर रह नहीं सकता मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ आप इतनी दूर मुझ छोड़ कर चले गए फासला एक गिठ दा सी ते आपने जदों सीने न लाया तो फरमाते ने वो इंज चुप किया जिवें बच्चा मां की गोद में जाके सिसकियां लैंदा चुप करता है। आपने फरमाया अगर इन्हू मैं चुप ना करांदा तो इन्हें क्यामत तक रोंदे रहना सी। ते दोस्तों बहुत मसलों का नहीं पता ये तो उलमाए किराम तुहानू दस्सणगे लेकिन गल सिर्फ इन्नी है कि जिस आका दे नाल पत्थर पे मुहब्बत करन टहणियां पईयां मुहब्बत करन लकड़ियां पईयां मुहब्बत करन वो बंदिया तैनू की बनिया पिया तू दलीला मंगना पिया मुहब्बत वास्ते है कि उह जे आशिक और याद रखना मैं पूछ रहा सा कदी महफल है कहते जी मिलाद शरीफ की है याद रखना घड़ी घड़ी जी नात पढ़ी दी है ना इस वास्ते कि जो कबर में छड़ा ना ना किसी ने भी नहीं पता लैना तो कबर में सिर्फ एक सवाल होना मुत्तफक उन्हें हदीस है कि कबर च किन्ने सवाल होने ने सिर्फ एक वो केड़ा ना उत्थे नमाज़ा पुछनिया ने ना रोजे पुछने ने ना अमल पुछने ना उमरे पुछने ने ना अज पुछने ने सिर्फ एक ही चेहरा पुछना जिहड़ा कमली वाले दा चेहरा है और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है बुखारी और मुस्लिम दी पूछा जाएगा मा कुंत तकूलु फी हक़ हाज़र रजल कि ए जिहड़ी हस्ती ने इन्हां दे मुतल्लक़ की आखदा रहा ते जे बंदा ना पहचानिया उहदे ते कम हो गया खराब ते जे उन्हें लिया पहचान कि ये तो मेरे आका ने जी नबी पाक ने जिन्हां दे मैं मिलाद करदा रहा जिन्हां दी मैं नाता पढ़दा रहा यार उस अख की गल ना करिए सरकार फरमाते ने जे जे सामने वेखना इंजे पिछे नूं भी वेखना है वो गल ना करिए फरमाया सियाबा मैं तुम्हारे रुकू भी देख रहा होता हूँ नमाज पढ़ाते हुए और जो तुम्हारे दिल के अंदर जो खुशबू है ना मैं उसको भी देख रहा होता हूँ। जो सरकार मिराज ते गए जो अपनी जहरी अख नाल वेख्या तो अल्लाह ने भी दात देती फरमाया मा जागल बसर हो मा तवा है क्या अख है मेरे सोने की नज़र भटकती भी नहीं यदि तो चमकती भी नहीं पई यानी चमकदा भी नहीं नज़र इधर उधर भी नहीं होंगी किस तरह वेखदा पाया मैं तेरे वेखण उत्ते दात देना उस अख की गल ना करिए उन्होंने जुल्फा की गल ना करिए कि सियाबा जो वफात पाते सन जन्नत यकीनी उन्होंने वास्ते अल्लाह ने बनाई है पहले उन्हें इसके बावजूद भी अमलों के एतबार नहीं सन करते उन्होंने जैसिया नमाजा हो सकदियां जिन्हें सरकार पिछे अदा कीतियां ने अपने बच्चे कुर्बान किए ने लेकिन वो जिहड़े सियाबा सन ना उन्होंने फौत हो लगे आखना यार हजूर का बाल मुबारक मेरे सीने ते रख के फिर मैनू कबर च रखना है कोई कहिंदा हजूर के कदमों का नखना मेरे मूँह च रख के फिर कबर च रखना है कोई कहिंदा पिया हजूर की जिहड़ी सोटी है ना हजरत अनस कहन लगे कि मेरे सीने ते रख लां कफन दे अंदर कोई शाया नहीं रख सकते मसला लेकिन सारे नूं पता सी बड़े बड़े फकीह खड़े सन उत्थे सोटी नूं चुम के रख रहे सन सीने दे अंदर क्यों
सहाबा समझते सन पता नहीं बेनियाज है कबूल करता अमल के नहीं करता ते निस्बत को रखी है ना पता तो लगे ना कि मदीने वाले लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत दे विच कमी ना आन देना। बड़ियां हवावां इहो जिहियां चल रही ने कि लोग कहिंदे ने कि जी अल्लाह नाल ही होना चाहिए पर बाबा सानू दस ते सही अल्लाह नाल करिए कित्थे जाके अल्लाह है किंजदा दसो भी कोई है बंदा अल्लाह नाल मुहब्बत करन वाला कोई जिहड़ा पता मैनू दसे है वो ख्याल है ना तुहाडे ज़हन दा कि अल्लाह इंजदा कदी रोना है कदी कुछ करना है दुआवां मंगना है कि अल्लाह इंजदा तैनू पता है कोई नहीं ख्याल है तेरे ज़हन दा वो मना है हराम है ख्याल नहीं कर सकता कि अल्लाह दा तसव्वुर करदा फिरे। इसे वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों पुछया तो फरमाया सहाबा वेखी मैनू जाओ तो मनी उहनू जाओ। 1500 साल हो गए ने किसी ने वेख्या खुदा नूं दस्से भी कोई अज तक है वो जी हदीस मैं तुम सुना रहा था मुत्तफ़क़ुन अलैह जो सरकार का पूछा जाएगा एक ही सवाल होना कि क्या कहा करता था इनके मुतलक तो जे गुलाम होएगा ना इश्क रखने वाला होएगा ना तो पढ़ने वाला होएगा ये सबक इसे वास्ते पकाई दा घड़ी घड़ी कभी सरकार की जुल्फा की गल कभी कदमों की गल कभी हजूर के दंदान की गल कभी लबा की गल हजूर का लुआबे दैन कहो जहाँ से हजूर के दंद पता कहो जहाँ सन नेरे दे कमरे ते सूई गुआ जांदी सी ना ते जदों कमली वाले मुस्कुराते सी दंदा दी चमक उह सूई ते वजदी सी ते सूई नजर आउंदी ठीक है ना फिर वो जिहड़ा आपदा थुक मुबारक सी ना जिहनूं लुआबे दहन मुबारक कहिंदे ने दो बंदियां दा खाणा सरकार ने लुआब विच रख दित्ता थोड़ा जिहा पाता 1500 बंदा खा गया उह दो दा पूरा दा पूरा ही माशाअल्लाह चल बस कर बाकी बाला बुझे हो गए ने तेरे शाओ शाओ बस तेरा पले ये अजी अल्लाह रखा साहब दा ते नहीं पुत्रा पहली जो महफिल हुई सी वो भी इत्थे मौजूद सन उन्होंने ही वो की उदो मैं याद है बहरहाल लो भी कबर चो सवाल आना ना सरकार वालों तो जे सबक पकाया होया आया उत्थे ते तुहानू पता हर शाय भुल जाती जो मौत आती है ना उहदा जायका एडा किसी नूं मिठा लग जाता किसी नूं कौड़ा लग जाता तो जो जाता ना तो बड़ी बड़ी तकलीफ च भी जा जिवें जिंदगी एक जी नहीं है जो मौत भी एक जी नहीं किसी की इंज है जिवें फुल चो खुशबू निकल गई तो कोई इंज है जिवें जिंदा गोश्त मास नूं लाणा हड्डियां नालों बड़ी बड़ी वो मरहले ने जिस तरह जिंदगी है इस तरह मौत का भी वाकया तो कबर में तो किसी ने नहीं आना ना किसी ने बनना ना कोई तुहानू लभना किसी ने नहीं लभना समझ आई जी ना तो खुदा का शुक्र करो कि साडा तलक उस कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल है जिथे तेरा पता किसी ने लै नहीं आना ना माँ ने ना बाप ने तो कमली वाला तेरा उत्थे भी पता लैन आ डिया तो तैनू मसला की है बई तू तलक क्यों नहीं ठीक रखता पा तू क्यों सोचना है क्यों दलील लाना है आशिक दलील लाते हैं मजनू ने दलील नाल मुहब्बत की सी लैला ना रंग भी काला सी उहदा है तो बादशाह वक्त ने कहा लियाओ लैला नूं यार कहो जी है धोमी बड़ी है की है किड्डी खूबसूरत है जिसले वेख्या तो रंग काला जहा तो बादशाह कहन लगा लैला तेरी दुहाई तो बड़ी है तेरा किस्सा तो बहुत बड़ा है तो तू तो रंग काली एड्डी सोहनी भी नहीं तो कहती है बादशाह अख तेरी भी तो मजनू वाली कोई नहीं ना समझ आई है ना अख तेरी भी तो मजनू वाली नहीं बादशाह बड़ा हसया बड़ा इनाम दिता इस गल का सो गल है कि जोड़ा इश्क है ना सरकार का वो वास्ते दलील नहीं जे ते अल्लाह हर वक्त दरूदो सलाम पढ़ रहे
होर दलील केड़ी तेनों चाहिदी है? अल्लाह नूं कोई इश्क है, प्यार है, तो दरूद ओ सलाम पढ़ रहे ना, तेनों की मसला दलीला लांदा फिरना? अच्छा हुण पते दी गल है, जे ते उहने दस्सिया कि जी मेरे आका ने जी मेरे नबी पाक ने बस हाज़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर की होना उस तो बाद? हदीस है फरिश्ता आखेगा दोज़ख दा बूआ खोल लवेगा, आखेगा तेरा सी ठिकाणा है जेड़े तेरे अमल सन, लेकिन चूंकि तू हजूर नूं पहचान लिया, जन्नत दा दरवाजा खोल के फरिश्ता आखेगा तेरा ठिकाणा है सूरत की वजह, तू इस चेहरे की पहचान की वजह तू बदल के जन्नत कर देता। एक गल पका लवो कि जन्नत च जान दा सबब सरकार दी पहचान है, समझ आई जी ना, हजूर दी पहचान है। कोई बंदा ये ना मान कर लवे कि मैं अमल बड़े कर लेने, पता नहीं कबूल होंदे ने कि नहीं होंदे, लेकिन ये भी ना करे पहचान का अमल छड़ के मैं करदा फिरा, अमल हजूर दी पहचान वास्ते ने ना। हुण नमाज देखो ना, नमाज असीं पढ़ने आ, नमाज कीती है भला, अल्लाह दी नमाज है ना, बोलो को भुख ज्यादा तो नहीं लगी तुहानू, ते बोलदे क्यों नहीं पए? तुहानू इह ते नहीं आखिया सुभान अल्लाह कहो, एक एक बूटा लगता पिया तुहाडा, इन्ने इन्ने बूटे कि पता ही ना लगे बहना कितने थले है। मौलवी लवांदे ने बूटे बई सुभान अल्लाह कही जाओ ना, अपना बेचारे ने कुछ रहन देना ते ना लोगों का ही रहन देना है जी, और बूटे लांदे लांदे उन जी डोरे भोले होते पता कोई नहीं लगता है। बहरहाल अल्लाह की तस्वीर है, बायसे बरकत है, लेकिन हर का एक अपना मिजाज है ना, एक तबीयत है ना, उलमा भी नीयत तो चंगी होंगी, उन्होंने की बुरी नीयत कि बूटे बहुते जो लग जा, लेकिन इन्ने भी ना लग जा कुछ लभदा ही ना फिरे, जन्नत का बूटा एक ही बड़ा होंगे। नमाज है ना, नमाज का हुक्म किन्ने वारी आया जी? 700 वारी आया, तो तरीका दसिया है या अल्लाह तरीका भी दस छड़दा? एक दफा आख्या वो मेरा नबी फरमाएगा, तो जिसले सहाबा गए सरकार कोल तो यार सुल्ला अल्लाह एक बारी तरीका आपने फरमाया सल्लू कमा रही तुम नहीं सल्ली, सहाबा जैसे जैसे मैं करता जाता हूँ ना वैसे वैसे करते जाओ, जैसे जैसे करता जाता हूँ वैसे गल्ला होनी करनी है सियाबा, जैसे जैसे मैं करता जाता हूँ वैसे वैसे करते जाओ, कि मेरी अदा नूं ते अंदाज नूं रखना जेहन च, किंज मैं क्याम करना, किंज रुकू च जाना, किंज हुण कैसा वक्त आ गया। लोग कहते जी नबी पाक का ख्याल नहीं आना चाहिए नमाज में, अल्लाह की नमाज है, ठीक है भाई मसला तो ठीक है, नमाज अल्लाह की है, अल्लाह कहता मेरी गल कर, तो या अल्लाह मैं तेरी गल करना तो की करा, फरमाया क्याम च खड़ा हो जा, तस्वीर कर, सुबहाना कला पढ़, अलम शरीफ पढ़, सूरत पढ़, हूँ रुकू च टुर जा, मेरी तस्वीर कर, होर तो किसी की गल ना कर, मेरी तस्वीर कर, फिर अल्लाह कहता हूँ सही दे टुर जा, या अल्लाह हो गया, फिर मैं एक बार होर कात पढ़, पढ़ी अत्ता याद बैठ गया, अत्ता याद बैठ गया कादे वास्ते? कबूलियत वास्ते। अल्लाह की कहता है नमाज पढ़ दिया मौली साहब, नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो, पढ़द्या पढ़द्या उस्ताद आ जाते, अत्ता ही हाथ बैठे होने अत्ता ही हाथ लीला है वसलवा, तो अपने उस्ताद को कह उस्ताद जी सलाम अलैकुम बैठो, मैं सलाम फेर के गल कर, नमाज रह जाएगी बई बोलो। तो जे इन्हों के उस्ताद इन्हें नमाज के कह दें बेटा सलाम अलैकुम, बच्चे ये अत्ता ही हाथ पढ़ते कहते हैं उस्ताद जी वालेकुम सलाम, मैं सलाम फेर के जनाब न मिलना, तो सलाम फेरन नमाज रह जाएगी? क्यों? अल्लाह ने कहा मेरी नमाज है मेरी गल करें, सलाम नहीं ले सकता। या अल्लाह क्याम भी हो गया, सजदा भी हो गया, रकू भी हो गया, अत्ता ही हाथ बैठ गया, कबूल फरमा ला। अल्लाह कहता गल सुनो, हूँ मेरे सोहने नबी कमली वाले नु कह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ते नमाजी जदों पहुँचदा ना, नमाजी जदों कहता ना सलाम अलैका अय्युहन नबी, है नमाजी जदों कहता, चलो तुसी यार रुपये वाली तुहाडे ध्यान मुकदे नहीं पे, मैं तुहाडा ध्यान होर पासे खड़ना पिया, तुहाडा ध्यान इहदे वल ही जांदा पिया। अच्छा की गल करना पिया मैं,
अल्लाह कहिंदा नमाजी हुण कबूलियत चाहना है, ठीक है तू रुकू कर लिया, सजदा हो गया तेरा, हुण मेरे नबी नूं सलाम पेश कर। कह अस्सलामु अलैका अय्युहन अय्युहा, ना एक है या नबी, एक है अय्युहन नबी। अरबी जबान च पंज हरफे निदान है, या अय्युहा अय्युहा। या जड़ा है दूर वास्ते भी है ते लागे वास्ते भी है। अल हरफ या उल नदा इल करीब इल बाई, हरफे या लागे भी लग जाता है ते दूर वास्ते भी लग जाता है। जिवें या सारियत अल जबल लगा ना या, ते जड़ा अय्युहा ना अय्युहा हरफे निदा है लगता ही उत्थे जड़ा अख दे सामने मौजूद बैठा हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन, या भी हो सकता अस्सलामु अलैका, या नबी भी हो सकता अय्युहा। क्यों लाए कहते ने जो नमाजी पहुँचता ना, तुम मैं नमाज दसना, नमाजी जो पहुँचता सलाम अल्लाह का नबी हर उस नमाजी को जवाब देने वास्ते हाजिर हो जाता। जिस तरह कबर में पूरी कायनात के कबर च मुरदे रखे जाते हैं, ये तो नहीं कि इतने पिंडी च रखे जाते हैं, भारत में अमरीका च इंडिया च अरब च चौबीस घंटे रखे जा रहे हैं, तो नबी पाक चौबीस घंटे च तमाम जगह के उत्ते मौजूद होंगे ने जिथे कबर च बंदा रखा जाता। तो जे नबी जमीन के अंदर पहुँच सकता तो उत्ते ते चलना ही बड़ा सौखा है। जमीन के अंदर जो पिंडियों जाना हो, बड़े पिंड तो जमीन च सुरंग कढ़ेगा ना, कितनी मुश्किल ना जाएगा। तो सरकार सुरंग कढ़न की भी नहीं लोड़, सुरंग ही सुरंग है, इरादा कर लैन, सारे रस्ते साफ होंगे ने। और बयक वक्त अमरीका इंडिया हर जगह ते नबी पाक की ख्याल है, हर जगह ते, क्योंकि हर जगह ते सवाल हो रहा। तो जो नमाजी कहता सलाम अलैका अय्युह नबी, हुण दसो नमाज विच याला उत्थे ते कून भी नहीं दिता सलाम वास्ते, बोलन भी नहीं दिता, तो इत्थे कहना पे लै सलाम नहीं समझ आई। रब ने कहा यही तो करने वास्ते बिठाया सारी नमाज। कई अल्लाह के ऐसे कुरब वाले सन, प्यारे सन, वो अगे टुरते नहीं सन जिनी देर तक सरकार का जवाब सुन नहीं सन लेंदे कन्ना दे नाल, ठीक है ना। उदनों उम्मती कहंदा सी या नबी सलाम वालेका, उदनों सरकार फरमाते सन उम्मती वालेका सलाम, सरकार भी उदनों जवाब देंदे ने। ते फरमाया फिर इंज कर नमाजी, हूँ मेरे नबी ते दरूद पढ़ दे। या अल्लाह मैं पढ़िया, फरमाया उदी याल ते भी पढ़। या अल्लाह मैं पढ़िया, फरमाया उदे दादे ते भी पढ़। या अल्लाह मैं पढ़िया, फरमाया उदी आल ते फिर पढ़, दादे दी आल ते भी पढ़। फिर अल्लाह फरमाया का दोबारा फिर पढ़ एक बारी मेरे नबी ते दरूद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। पढ़ या अल्लाह पढ़िया, फरमाया उदी आल ते भी पढ़। या अल्लाह पढ़िया, फरमाया उदे दादे ते भी पढ़। या अल्लाह अगे ते एक बारी पढ़ लिया जी, फरमाया एक बारी होर पढ़। फिर उदी आल ते भी पढ़। या अल्लाह पढ़िया सी अगे एक बारी, फरमाया फिर दोबारा पढ़। या अल्लाह पढ़िया दो बारी, हो गया हो गया, हुण दुआ मंग लै रब्बे जलने मकीम सलात। अल्लाह ने नमाज दी रूह सरकार दा सलाम बना छड़िया। एक गल याद रखनी, तू जिन्ना मर्जी क्याम कर, रकू कर, पंद्रह पंद्रह सपारे एक रक च पढ़ लै, एक बारी सलाम ना कह नबी पाक ने, ना तेरा क्याम कबूल हो सकता, ना तेरा रुकू कबूल हो सकता। फिर क्यों ना कभी ये कि यकीनी तौर पर सरकार का जड़ा सलाम है नमाज की रूह है, हजूर दे उत्ते हजूर की आल ते दरूद ओ सलाम पढ़ना अल्लाह ने नमाज का हिस्सा बना दिता है, अपनी इबादत का हिस्सा बना। ते दोस्तों गल तो उलमा ही होंगी ना, साढ़े वर्गिया की गल होनी है। उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, जे कोई बख्शा मिले तो तू भी बख्शिया जा। असी तो भाई इस हिसाब के आई तकरीर तो फिर उलमा ने करनी है ना, तकरीर तो उलमा ने करनी। अल्लाह ताला ये हाजरी कबूल फरमाए। तो को उलमा आए ने ना, बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। बस असल तो तकरीर तो वही उलमा दी, मैं तो एवं बस बिठा लिया, मैनू मैं 10 बजे पहुँचना भी सी, लेकिन फिर सरकार का नशा ही ऐसा है जिन्हों चढ़ गया है,
उन्हें औलादा भी कुर्बान कीतिया, उन्हें अपना आप भी वार के रख छड़िया। हज़रत उमर सन ना जा रहे सन, तो वेख्या कि उमर लोगों ने वेख्या कि तू उमर आंदा पिया, ये तो कितने वो कोई पता नहीं हमला करना आंदा पिया। हज़रत अमीर हमजा उठ के कहते ने इन्हू आण दो, अगर नेक नीयत ना लाएगा तो ठीक है, वरना यदि तलवार ही खो गए तो सिर ला देंगे। सरकार के चाचा सन ना हज़रत अमीर हमजा, वो जो चलते सन मोढ़े तो खल पा के शेर की चलते रहने, क्यों वो शेर न हथी फड़ लेंदे रहने, एडे नबी पाक दे वो चाचा दलेर सन, शेर का शिकार करते सन। और याद रखो शेर के एक पंजे च पता कितनी ताकत होंगी, 21 चोटियां जिनी ताकत होंगी ये पंजे में, की दसिया तो पंजा ही मरोड़ छड़ते सन नबी पाक दे चाचा। हाँ हज़रत उमर भैन ने कुरान पढ़िया, तो जिसले भैन ने कोलों कुरान सुनिया तो चढ़ गया नशा, तो फिर वो नशा खुर उन्हें जाके सह ही उथे लिया जो सरकार के कदमों से सर रख दिता। और मुसलमान नारे मारे आख्या अगे नमाज अंदर पढ़ते स अज बाहर निकल के पढ़नी, ये है कुरान, है कुरान का नशा, नबी पाक का नशा है। लो फिर तुम हूँ खुश रहो, मैं हूँ लोगों को नारा बनाने का भी नहीं पता रह गया, मुरशद जीवे मुरशद जीवे मुरशद जीवे मुरशद यहोजा जिंदा जिथे वो पानी नक च पा के सुट छड़े ना, अगर मुरदे नू लग जाए वह भी जीवे हो जाता है। कुरान है मकामे अहजाए मौत, अल्लाह ने जो मूसा अलैहि सलाम नू आख्या आओ मैं तुहानू अपने वली नाल मिलाना, आला आदना कोल ते नहीं जाता, ये किंज दा हिसाब बनाता है। वली का जाना सुनत नहीं सी होना, लेकिन नबी का जाना वली को सुनत हो गया उम्मत वास्ते। वो जिस वक्त गए तो निशानी पूछी, याला निशानी फरमाया जिते मछली थोड़ी तो पक्की है ना खाने वास्ते जिंदा हो जाएगी वो निशानी, कभी इंज का भी पता होया क्यों बई, वो पता होया इंज का किसी ने बोझे चू मछी पाई हो पका के कि यार भुख लगी खा लाँगे राह बेच, निशानी दसी जिते जीव पे ही ना बस वो मुकाम ही, ये कि गल हुई ये कि पता है तो मछली वाकई जिंदा हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मंगी ना रोटी, मूसा अलैहिस्सलाम ने रोटी लिया भाई खाइए, उन्होंने कहा सरकार मैंने शैतान ने भुलाता मान सानी कुरान है, वो मछली रस्ते च ना जी वो पानी के कुछ पे सन जो उदू उछल के तो सुरंग बना के निकल गई पानी में, फतखज़ा सबील अहू फिल बहर सराबा, मछली पानी में नस गई ना, मैं कड़ा आपसे कुरान है यार, हाँ मछली नस गई है मछली वो किमें जिंदा हुई, फिर वापस मुड़े उस जगह से फिर मुलाकात हुई उस वली नाल, लेकिन जिंदा किमें हुई, हज़रत खिजर जिते वजू करते सन ना कुरूली करते हैं जिस पानी नाल, वो पानी दे तुब के वह मरी मछली ते पे सन, मुर्दा मछली ते, इहदा मतलब है वली ते वली रह गया, जिस आबो हवा च वली रहिंदा होए मुर्दे ते वह आबो हवा जिंदा कर दिंदी है, वह जिंदगी पैदा कर दें, वो जीना कर दें, तो जिते वह निगाह कर देगा की ख्याल है। ये पता नहीं नारे कि मुर्शद जीवे मुर्शद जीवे मुर्शद जिंदा ही होंगे, वो जिंदा पता कि नहीं होंगे, मूह तू कबलन तो मूह तू, सरकार ने फरमाया मरने से पहले मर जा, वो मरण तो पहले मरिया होंगे उन्होंने फिर हमेशा की जिंदगी होंगी, समझ आई जाएगी नहीं तुम्हें, वो शहीद को गोली लगती है जनाजा होंगे दफन करते हैं अल्लाह की कहें, वो जो कोई फौत हो जाए कोई बुजुर्ग हो जाए कोई मौलवी साहब हो जाए कोई वड्डा हो जाए कोई अमीर को की हुक्म है उन्होंने आओ गुसल करो, क्यों भैया है ना, तो शहीदी बारी की होया शरीयत ही बदल गई मसला ही बदल गया, रब ने आखा कपड़े हाथ नहीं लाना ये कपड़े नहीं लाने, या अल्लाह कपड़े पलीद ने पेशाब निकलिया वह आख्या ये पाक है छड़ दो इस गल नूं, या अल्लाह खून भी निकलिया आख्या गल ही ना करो ये पाक है इनू नहीं नवाना इनू इंज ही रखना है, ये की मतलब आख्या क्या मतलब दिन मैं सामने नवावगा फरिश्तों को
ये जिंदा है। पूंजी जनाजा पढ़िया जाता कि नहीं पढ़िया जाता? रब कहता जिंदा है। यार ले ते टुकड़े हो आख्या मैं जो कहना जिंदा, मरण की गल ना करना, ठीक है, मुर्दा होने की गल ना करना। यदा मतलब यह है कि सामने गोली भी लगी होंगी, रब कहता टुकड़े हो वे के ख्याल भी नहीं लियाना जेन च मरण का, जिंदा मैं उन्होंने रोटी भी खिला रहा। लेकिन यह शहीद अकबर है। सरकार फरमाते ने जिहड़ा अपने नफ्स नाल लड़दिया मर गया ना, जिवें दाता गंज बख्श ने, ख्वाजा मेहनुद्दीन अजमेरी ने, अपने नफ्स नाल जिहड़ा लड़ के मर गया ना, वह जिंदा है। वह तो अगे ही जिंदा किया हुंदा, उहनूं होर की जीवना हुंदा, किसी ने की नारे ला के करना हुंदा। ये एवें बना चले दे ने मुर्शिद जीवे, है जी, तो वह वैसे जिंदा हुंदा, वह मर के भी नहीं मरदा। वो शेर की ने मर के भी नहीं मरदे। नूरी ने हवावां बन रहमतां दी चली, रहमतां खुदा ने आमिना दे वेड़े घलिया। नूरी ने हवावां बन रहमतां दी चली, सोना जदों आया महक उठिया ने कलिया, योदयान नाल यारो हो या रोशन गलिया। सोना जदों आया महक उठिया ने कलिया, उदयान नाल यारो हो या रोशन गलिया। कलिया जहान दिया फिर न रहिया कलिया, रहमतां खुदा ने आमिना दे वेड़े घलिया। हश्र दा मैदान होसी मुश्किलां जान हो सी, हर बंदा उथे यारो बहुत परेशान हो सी। हश्र दा मैदान हो सी मुश्किलां जान हो सी, हर बंदा उथे यारो बहुत परेशान हो सी। तुहाडे बाजू सानू केड़ा या रसूल अल्लाह, तुहाडे बाजू सानू केड़ा देवेगा तसल्लियां, रहमतां खुदा ने आमिना दे वेड़े घलियां, रहमतां खुदा ने आमिना दे वेड़े घलियां।